Hello everyone, this is Vignesh Rana. Right now I am pursuing my PhD in IISc Bangalore. I am 2018 pass out batch from Mechanical Engineering and I have scored 62 marks in GATE 18 examination. So, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, means आप अपनी GATE की preparation को लेके बहुत ही serious हैं और serious होना भी चाहिए ऐसे exam हैं. तो वीडियो की स्टार्टिंग तो एक सेंटेंस से ही करूँगा जो हमारे थर्मोडायनेमिक के सर नितेश राय बोलते थे कि 6 महीने की प्रिपरेशन और 3 घंटे के जो गेट का एग्ज़ाम है आपका वो आपकी आज तक की सारी मिस्टेक्स होगी जो आपने 10th बोर्ड में की होगी, 2 में की होगी या फिर JEE मेंस ख़राब हो गया, गलत कॉलेज मिला, सारी की सारी मिस्टेक्स आपकी वैनिशेस हो जाएगी अगर आप अपने ये 6 महीने संभाल लिए तो. सो वही मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपने 6 महीने कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली प्लानिंग जो कि आपको 6 महीने तक फॉलो करनी है. हमको सिर्फ दिन के हमारे 4 से 5 घंटे देने हैं, सिर्फ 4 से 5 घंटे और 100 questions. सिर्फ ये 2 चीज़ें मेंटेन रखनी है और सोर्सेस कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊँगा. तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करो अपनी जो क्लास नोट्स है उसको पूरा पढ़ो, उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. तो सबसे पहले शुरुआत आप करो क्लास नोट्स से, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद तीसरा होगा ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन लगाओ. वर्कबुक जो आपको ICSE गेट इंस्टीट्यूट ने दी होगी, कॉमन वर्कबुक भी दी होगी या फिर इंडिविजुअल भी दी होगी, तो उसके क्वेश्चन लगाओ. उसके बाद कंपलसरी है कि आपको जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म हो उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज देनी है. देखो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ICSE गेट इंस्टीट्यूट आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सारी की सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म हो उसकी एक टेस्ट सीरीज आपको देनी ही देनी है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए इसमें. और जैसे ही टेस्ट सीरीज ख़त्म हो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ फार्मूला हो जो टॉपिक के. सो एक टॉपिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक टॉपिक का सिर्फ यही प्रोसीजर है कि क्लास नोट्स, गेट प्रीवियस ईयर, ESE प्रीवियस ईयर, वर्कबुक, टेस्ट सीरीज एंड शॉर्ट नोट्स. सो यही फॉलो करना है पूरे दिन, एक दिन में एक टॉपिक और 100 questions, बस सिर्फ यही फॉलो करना है 6 महीने तक, ठीक है. दूसरा स्टेज है कि हम पहले क्या पढ़ें. सो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से. सिर्फ आपकी प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग के 15 दिन आपको एप्टीट्यूड को देने हैं, पूरा एप्टीट्यूड ख़त्म कर देना है उसमें जो भी आपको ICSE गेट इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है, सारा का सारा एप्टीट्यूड स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको ख़त्म कर देना है. और उसके बाद मैथमेटिक्स पे जाना है. मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है पर ट्राई करो 15 दिन में जो भी मैथमेटिक्स है वो आपका ख़त्म हो जाए. उसके बाद आपको स्टार्ट करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. देखो मैकेनिक्स सब्जेक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता और कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है. और जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है, अगर मैकेनिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वो पीछे 2-3 सब्जेक्ट को ले डूबेगा. तो आपको ये कंपलसरी है, ये 3 सब्जेक्ट में कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको स्टार्टिंग में करना ही होगा, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट पे जंप करोगे जो आपके Tier 1 सब्जेक्ट है. जैसे कि मैकेनिकल की बात करो तो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, या फिर आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो. तो जिसका वेटेज ज़्यादा होता है सबसे उसको Tier 1 चाहिए, जिसका वेटेज से कम होता है उसको Tier 2, और जिसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है उसको Tier 3 करिए. और देखो मैं तो ये मानता हूँ कि गेट का सिलेबस ना कभी ख़त्म नहीं होने वाला. अगर आप वेट करोगे कि टेस्ट पहले सिलेबस ख़त्म करके आप टेस्ट सीरीज दोगे तो भाई आप रह जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है. आपको हर रोज़ टेस्ट सीरीज देनी ही होगी, उसके अलावा कोई एक्सक्यूज टेस्ट सीरीज के मामले में चाहिए ही नहीं. सो उसके बाद जब आपका मोस्ट ऑफ चीज़ें ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है. सो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कब स्टार्ट करनी है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज. तो सबको पता है कि डेट होता है फरवरी में. तो आप जैसे ही दिसंबर का पहला हफ्ता बैठे तो आपकी प्रिपरेशन कहीं भी हुए, चाहे 3 सब्जेक्ट हुए हो, 4 सब्जेक्ट हुए हो, 5 हुए हो, या तो सब ख़त्म हो गए हो,
आपको दिसंबर के पहले हफ्ते से टेस्ट सीरीज लेनी चालू करनी है और दिसंबर में ऐसे मेंटेन करना है कि हर हफ्ते में सिर्फ एक टेस्ट सीरीज देनी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सिर्फ एक देनी है। और जो आपका डेली का काम है, डेली के 100 क्वेश्चंस और 4 to 5 hours, उसको कंटिन्यू ही रखना है। उसके अलावा या तो आप संडे को ले लो, संडे को टाइमिंग शीट बना लो, संडे को टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। तो चीज़ यही है कि आपको डेली का प्रिपरेशन प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मेंटेन करके चलना है, और दो टेस्ट सीरीज के बीच में एक हफ्ते का गैप रखो, ताकि क्या हो सके, टेस्ट सीरीज के बाद आपको अपने क्वेश्चंस एनालाइज करने का मौका मिल सके, और एक हफ्ता पूरा एनालिसिस में लगाओ कि आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है। सो दिसंबर में सिर्फ 4 टेस्ट सीरीज देनी है और मैक्सिमम 6, उससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। बाकी के टाइम उसका एनालिसिस करना है, 3-4 घंटे और 100 क्वेश्चंस पर डे उसको तो मेंटेन ही रखना है, प्लस उसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी आपको एनालिसिस करना है, वो भी पूरा हर तरीके से। सो उसके बाद जनवरी का फेज आता है, तो जनवरी में आप ये कर सकते हो कि आपके जो सब्जेक्ट है, जो मेन इम्पोर्टेंस है, यानी कि टीयर वन सब्जेक्ट है और एप्टीट्यूड मैथ्स और मैकेनिक्स 3 और टीयर वन, उनका बार बार रिवीजन करते रहना है आपको। और जो टीयर वन और टीयर टू सब्जेक्ट का मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन में हर सब्जेक्ट का 10 से 15 बार रिवीजन किया था, तो रिवीजन आपको मेंटेन करना है। और जनवरी में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस आपका नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि गेट का सिलेबस आप कभी कंप्लीट होने ही नहीं वाला। तो जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसका रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो। और जनवरी में टेस्ट सीरीज कैसे मेंटेन करनी है, तो जनवरी में आपको हर 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज, और जब तक एक टेस्ट सीरीज का एनालिसिस खत्म ना हो तब तक दूसरी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। पहले एक टेस्ट सीरीज दो, 3 दिन में उसका एनालिसिस कंप्लीट करो, जैसे ही वो खत्म हो तभी दूसरी टेस्ट सीरीज को हाथ लगाओ। और जैसे ही जनवरी एंड आता है, तो जनवरी एंड में जो आपका जनवरी और फरवरी के गेट एग्जाम से पहले जो एक हफ्ता होगा, उसमें आपको कुछ भी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। फिर जितने भी मार्क्स है, आपको अपना असेसमेंट पता चल रहा होगा, तो गेट के एग्जाम के एक हफ्ते पहले आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। जस्ट माइंड रिलैक्स करो, और जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, उसको सिर्फ रिवाइज करते रहो, सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करते रहो, और मन को शांत रखो, और कोई भी नई चीज़ सीखने की कोशिश मत करो जनवरी के पीरियड में, जो आपने सीखा है उसी को रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो की थी, और होप नितेश सर ने भी आपको सेम चीज़ बोला होगा, और जो भी सर बताए वो अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहो, तो आप अच्छी रैंक ला सकते हो गेट में। और गेट इतना कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, मैंने किया है, मतलब कोई भी कर सकता है। और जो भी आपकी पिछली जो मिस्टेक्स होगी वो सारी की सारी वैनिशेस हो जाएगी, अगर आपने अपने ये 6 महीने संभाल लिए तो, ठीक। तो ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो, और कुछ डाउट वगैरह हो तो मेरा नंबर आप सर से ले सकते हो। तो ठीक है, फिर इतना करते रहो, बाय।